हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी दिस इज विश्वजीत दत्ता एंड मैं आपका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सेशन के लिए दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दिस पीपल हु आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू वेट फॉर दी काउंसलिंग पर्टिकुलरली द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कई बार आपको ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रकार से मेरा कॉलेज में एक बार बस हो जाए और यदि आप थोड़े से नंबर से चुक रहे हो इफ यू आर नॉट गेटिंग द टॉप सिक्स बट आपको लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी मे बी इन द लोअर एनएलूज जो नए एन एल हैं या जो अभी रिसेंटली कुछ सालों में खुले हैं मुझे उसमें जाने को मिल जाएगा तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट यदि आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए मैं आपके सामने अलॉटमेंट लिस्ट खोल रहा हूँ इनफैक्ट दिस इज द अलाटमेंट लिस्ट पहली अलाटमेंट लिस्ट है आप देख सकते हैं और मैं भोपाल की अलाटमेंट लिस्ट खोल रहा हूँ आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दी नंबर वन कॉलेज कि भाई एन एल बैंगलोर की लिस्ट खोलो और टॉप 100 हंड्रेड स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नो वी आर नॉट डूइंग दैट एक बीच वाला कॉलेज लेते हैं जो एकदम टॉप भी नहीं है ठीक है भोपाल लेते एन एल भोपाल लेते हैं और इससे आप अदरवाइज नहीं लेना कि सर आप टॉप एन एल यू एन एल यू को टॉप क्यों नहीं कह रहे हो वी आर नॉट फाइटिंग टू यू नो गिव द नॉमिन क्लेचर इन दैट सेंस वी आर गोइंग अलॉन्ग विद द रैंक्स जिस प्रकार से रैंक्स को लेकर बच्चे जा रहे हैं उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं ठीक है जब पहली अलॉटमेंट लिस्ट आई तो पहले अलॉटमेंट लिस्ट में दो तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से रैंक्स लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा रैंक्स तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अल्टीमेटली आई एम टेकिंग ऑल दी डोमिसल रैंक्स इंक्लूडिंग द डोमिसल रैंक्स ओके तो यदि मैं डोमिसल एम पी रैंक्स को देखूँ तो आप देखेंगे एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव में जाके क्लोज होता है एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव में जाके ये रैंक क्लोज होता है ओके आई मीन एम पी डोमिसल जनरल कैटेगरी एम पी डोमिसाइल और ये लास्ट रैंक है एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इन ए बी एल एल वी प्रोग्राम ये तो हो गया एम पी डोमिसल का और यदि आप नेशनल में भी जाके देखना चाहते हैं डोमिसल की सीट्स को यदि हम हटा दें ओपन तो कैटेगरी में द लास्ट रैंक इज फोर हंड्रेड एंड सम्बडी फ्रॉम अदर स्टेट्स कमिंग टू एनएलआई भोपाल तो उसकी रैंक चार सौ नौ है दिस इज द लास्ट कैंडिडेट विमेन कैंडिडेट गेटिंग इन टू एन एल आई यू भोपाल विद द रैंक ऑफ फोर जीरो नाइन और यदि हम एम पी डोमिसल के स्टेट्स के तहत जो प्रिवलेजेस मिले हुए हैं उनको यदि हम देखें तो एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रैंक पर लास्ट बच्चा गया है अब क्या होता है जैसे काउंसिलिंग शुरू होता है तो हम सोचते हैं कि पहली लिस्ट आएगी दूसरी लिस्ट आएगी तीसरी लिस्ट आएगी चौथी लिस्ट आएगी एंड सो ऑन तो इसमें मुझे फायदा होगा फायदा होता है ऐसे नहीं कि फायदा नहीं होता है बट यदि आप सोचो कि बड़ा मेजर फायदा होगा जनरल कैटेगरी में तो नहीं होता है ठीक है क्योंकि क्लैट की काउंसिलिंग दिल्ली से पहले शुरू होती है इसी लिए जैसे ही डेली का रिजल्ट आता है और बच्चे डेली में जाने के लिए तैयार होते हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एन एल यू डेली में जाना चाहते हैं उस टाइम पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा बीस से पच्चीस रैंक और जनरल कैटेगरी में क्लैट के स्टूडेंट्स क्लैट के कॉलेज में उनको थोड़ा सा चांस मिल जाता है बट यदि दोनों एंट्रेंस एग्जाम क्लैटो एलेटो दी दोनों एंट्रेंस एग्जाम दोनों की काउंसिलिंग एक साथ हो रही है दोनों के बीच में दो चार दिन के अलावा डिफरेंस नहीं है तो क्लैट के लिस्ट में कोई अच्छा खासा बदलाव नहीं आता जहां है वो वही रहता है हालांकि मेरा ये जो सेशन है वो इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फील करते हैं कि सर मेरा जो रैंक है उसमें मेरे को टॉप सिक्स तो नहीं मिल रहा है पर मुझे लगता है कि मेरे को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा सो आई एम वेटिंग फॉर इट न इसमें एक नुकसान ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको सिक्स कॉलेजेस में से कोई कॉलेज मिल जाए हो सकता है क्या आपको डिसीजन इस बात पर लेना है कि मेरी काबिलियत के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कोई मेरे को कह रहा है कि नहीं भाई अगले साल तुम्हारा होगा नहीं होगा काबिलियत के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए काबिलियत को टेस्ट करना है यदि आपको यह लगता है कि सर मैं बहुत क्लोज हूं टेस्ट करो आप अपनी काबिलियत को आप बिल्कुल टेस्ट करो हारने में कोई बुराई नहीं है पर काबिलियत को बिना टेस्ट किए जस्टिफाई करना या उसके प्रति कोई ओपिनियन बना लेना बिल्कुल ही गलत है ऐसा मुझे लगता है जो मुझे लगता है जरूरी नहीं कि आपको लगे बट चूंकि आई मेन टू दिस फील्ड सिंस 2009 इसलिए यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दी आपको लगता है कि आप थोड़े से पीछे हो पांच नंबर सात नंबर आठ नंबर दस नंबर इनफैक्ट पंद्रह नंबर जनरल कैटेगरी में तो आपको सेकेंड चांस लेना चाहिए आपको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम वेट करते हैं हमारा टाइम निकलता चला जाता है और जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता चला जाता है हमारे पास नेक्स्ट ईयर देने के लिए हमारे पास कम टाइम बचता है एंड यू मस्ट नो दिस फैक्ट दैट दिस एग्जाम इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाउ यू मेक योर प्रैक्टिस आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं आपका कोर कॉम्पिटेंस यही है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यदि आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसको एक ग्रेड पीछे से आ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा जस्टिस हम नेक्स्ट ईयर के पेपर में कर पाएंगे क्योंकि ये पहली लिस्ट है ठीक है दिस इज द फर्स्ट लिस्ट आप देख सकते हैं ये पहली लिस्ट है यहां से मैंने स्टार्ट किया और मैंने आपको बताने की कोशिश की 825 जनरल कैटेगरी वाला बंदा नेशनल लॉ कॉलेज में गया है और ये जो अभी फोर्थ अलॉटमेंट हुआ है उसमें भी आप देख लीजिए वही का वही लिस्ट है वही का वही स्टूडेंट है एट द लास्ट स्टूडेंट गॉट एडमिशन इंटू एनएल भोपाल मैंने जस्ट भोपाल के एग्जाम्पल फोर्थ प्रोविजनल लिस्ट आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये पहले लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट नंबर वन और ये चौथी लिस्ट है दोनों में अच्छा खासा आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो प्रोवाइडेड दैट आप यदि इस बात को मान लो कि सर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो सकता जनरल कैटेगरी में आगे पीछे एक आध रैंक हो सकता है देखिये एट ट्वेंटी फाइव जहां थी अभी भी है लास्ट में जाकर एक आध रैंक ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ी बात है बड़ी बात नहीं है बट यही रहेगा इसमें इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इफ़ यू फॉल इन द जनरल कैटेगरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम लक इन दिस एग्जाम प्लीज डू प्लीज स्टॉप दैट एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इफ यू आर वेरी कीन अबाउट डूइंग द लॉ प्रोग्राम फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन द कंट्री बाकी सबके लिए भी यही बोलूंगा बट चूंकि आज मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ और कोई ना कोई रेफरेंस आपको दे, दे बताना चाहिए इसीलिए मैंने ये रेफरेंस लिया इट इज़ नॉट एट ऑल ए सेलेक्टिव रेफरेंस मेरे उंगली में एन एल आई भोपाल दबा और मैंने उसको खोल लिया इनफैक्ट इस तरह की वीडियो लॉन्ग बनाना नहीं चाहता हूं मैं इसलिए मैं केवल एक कॉलेज से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन और आप देखेंगे कि किसी भी कॉलेज को आप खोल लें जनरल कैटेगरी की लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है सो प्लीज़ टेक दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट ईयर और उसके लिए आप आगे बढ़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए हम भी तैयारी कराते हैं सक्सेस एट एजुकेशन सर्विसेज इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस द लास्ट इलेवन ट्वेल्व ईयर्स इनफैक्ट टू थाउजेंड नाइन में हम दूसरे सेंटर्स में पढ़ाते थे टू थाउजेंड थर्टीन वी स्टार्टेड अवर ओन एंड राइट नाउ वी आर इन द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी five-clad which is going to happen so long years we have working in this field we have been working in this field with all dedication and efforts so people who are looking forward to such exams preparations in a one year program two year program short term program you can look forward to us thank you so much may god bless you have a great day bye-bye